कहते जाने मसला आसान हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाइयों? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का जो ब्लॉग है, मैं आपको रमज़ान में हम लोग उमरा करने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा। जिद्दा से मैं मक्का जा रहा हूँ उमरा करने के लिए, तो जो भी डिटेल्स चाहिए होगी मैं रस्ते में आपको दिखाता रहूँगा, आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊँगा। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिद्दा से मक्का उमरे के लिए जा रहा हूँ, तो ये जिद्दा मक्का का हाईवे है। इसका व्यू आप देखें, माशाल्लाह से वेरी नीट एंड क्लीन रोड्स, बहुत साफ़ सुथरा हाईवे है, रोड्स बहुत अच्छी हैं। जी व्यूअर्स, ये जिद्दा मक्का हाईवे के पहाड़ हैं। आपने सुना होगा कि भाई वहाँ के पहाड़ तो बहुत रेतीले होते हैं, सैंड स्टॉर्म्स, रेगिस्तान, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है देखें माशाल्लाह से कि यहाँ के पहाड़ जो हैं उसमें सारी ग्रीनरी आ गई है। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है। और ये हम लोग चेक पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तस्वीर नहीं है। हाँ, इसलिए मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास तस्वीर है, मैं तस्वीर को दिखानी पड़ेगी, मुझे तस्वीर दिखाने के लिए मुझे मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चेक पॉइंट क्रॉस हो गई है और उन्होंने मेरी तस्वीर चेक की है। सो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, थोड़े ही हैं लेकिन जितने भी हैं, जब भी अगर जिद्दा से मक्का आप लोग आए उमरा करने के लिए विदाउट तस्वीर प्लीज मत ट्रैवल करना, क्योंकि ये चेक पॉइंट पे चेक करते हैं। एक और चेक पॉइंट है, अगर आपने एहराम पहना हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ पर रोक लेंगे। और ये आप देखें, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपकी गाड़ी भी इधर खड़ी हो जाएगी और फिर आपको यहाँ से बस पर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आराम पहना हुआ है, लेकिन मैं गाड़ी देखिए पुलिस वाले खड़े हैं और वो जिसने आराम पहना हुआ है रोको उसको, तो उसको साइड पे कर दिया। मेरी गाड़ी क्यों नहीं रोकी? क्योंकि मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ साथ में। भाई दोस्त होते ही इन कामों के लिए, ये ऐसी चीजों के लिए होते हैं। ये छोटे भाइयों को रखा भाई, मैं छोटा हूँ। हाँ, ये छोटा भाई है मेरा, तो ये ड्राइव कर रहा है, सो हमें रोका नहीं इसने। अब हम लोग आराम से जाके हराम के पास अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। मक्का पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप मक्का एंटर होते हैं तो आपको ये दूर से क्लॉक टावर नज़र आती है जो कि बिल्कुल हरम के साथ है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह हरम पहुंच गया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तारीख के चक्कर में, तो अब मैं ईशा की नमाज़ का वेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सारा बंद किया हुआ है, कह रहे हैं कि ईशा की नमाज़ के बाद, तो इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा उमरा करना स्टार्ट करूँगा। तो जो भी लोग उमरे के लिए आना चाहें वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मगरिब से ईशा के बीच में गंदा जाने लगे, माशाल्लाह आसान हो गई है। ये माशाल्लाह हरम में एंटर होके बाबर पास जैसे एंटर होंगे आप, ये पैरामेडिक्स यहाँ पर रखे हुए खड़े हुए, जो कि अगर आपको कोई भी मसला हो अल्लाह ना करे फौरन सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह। इतने रश, इतने क्राउड को संभालना ही बहुत बड़ी बात। إنه كان صديقا نبيا ورفعه
जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा रमज़ान का उम्रा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप नियत करते हैं उम्रे की तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे ही देता है। चलना बहुत पड़ रहा है लेकिन रश भी इतना है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखें एंड दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।